मिंत्रा सेल में मैंने क्या क्या लिया वो मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ। वेलकम परिवार, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, मेरा सामान आ चुका है मिंत्रा से, और मिंत्रा सेल मैंने बहुत सारा सामान मंगाया है, और वो भी बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे। और क्या क्या मैंने मंगाया वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, और मैं आपको ट्राई करके भी बताने वाली हूँ। चलिए ओपन करते हैं। मिंत्रा की सेल चल रही है, मैंने मंगाया है मिंत्रा से ढेर सारा सामान, और क्या क्या मंगाया है वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। और सबसे पहली बात मैं ये बता दूं, बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे मुझे मिला है सारी चीजें। आपको बाद में मैं प्राइस बताऊंगी, ये सारा सामान मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, और साथ ही साथ में ट्राई करके भी बताऊंगी कि क्या क्या है और कैसा है, रिव्यू भी दूंगी। चलिए ओपन करते हैं। सबसे पहले ये बहुत हैवी, सबसे हैवी ये है, उसके बाद ये है, और सबसे हल्का ये है। तो क्या करें, चलो सबसे पहले हल्का वाला खोलते हैं। प्राइस अभी नहीं दिखाऊंगी, प्राइस पता चलेगा आपको बाद में। तो ओपन करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, प्राइस दिख तो नहीं रही है। ये है वो टॉप जो मैंने मंगाया है, इसको मैं अजीब तो नहीं लग रहा ना कि मैंने पहना। तो दोस्तों, मैंने ये टॉप इसलिए चेंज कर लिया क्योंकि मैं ट्राई भी कर रही थी, बट मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो फिलहाल मैंने दिखा दिया आपको कि दिखाया कि नहीं दिखाया। ये टॉप मंगाया मैंने, मैं आपको बाद में पहन के दिखाऊंगी कैसा है। और चलिए दूसरा ओपन करते हैं। ओवरऑल मुझे कपड़ा तो अच्छा लगा है, और बाकी चीजें पहनने वहनने के बाद कैसा है, फिटिंग विटिंग, वो सब मैं बाद में बताऊंगी, है ना। लुक कैसा आ रहा है मेरा वो मैं बाद में बताऊंगी। चलिए दूसरा ओपन। आई होप मेरी आवाज आ रही हो। देखते क्या है, देखते क्या क्या है, मुझे मालूम नहीं क्या है, बस कैसा आया है मेन चीज ये है। मेरे मुंह में छाले वाले से मैं अच्छे से क्लियरली नहीं बोल पा रही हूँ, आई होप आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। ये है अगेन इट्स अ टॉप, ओके मैं छुपा दूंगा ना, आपको पता चल जाएगा पहले ही। इट्स अ टॉप, मैंने काफी ट्रेंडी टॉप मंगाए हैं। चलिए इसको मैं ट्राई करूंगी, कपड़ा तो मेरे को बढ़िया लग रहा है, ट्राई करके फिर मैं आपको बताऊंगी। चलिए दूसरा ओपन करते हैं। ये है तीसरा, ए समाज ये है थर्ड, और सबसे हैवी वाला। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। बहुत सारी चीजें हैं, सबसे पहले मैं निकालूंगी ये क्योंकि सबसे छोटा दिख रहा है, और आजकल टोक्यो टॉकीज काफी ट्रेंडी कपड़े बनाता है, तो मैंने वहीं से ऑर्डर किया है। लेट्स सी, कपड़े में प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, बट साइज वाला मुझे चेक करना पड़ेगा ये मेरे साइज का है कि नहीं। फैल गया पूरा। अब है ये, देखते हैं क्या है। ASMR मेरे नाखून बड़े बड़े नहीं है, वरना आपको कटर कटर करके दिखाती हूँ। अगेन I got this sexy top. कपड़ा अच्छा लग रहा है, और पहन के मैं दिखाऊंगी कि मेरे ऊपर लग कैसा रहा है, और जितने का मिला है आपके होश उड़ जाएंगे। साइज का इशू होगा या नहीं होगा ये मैं पहन के ही बता पाऊंगी। तो चलिए इसको साइड में कर देते हैं, और देखते हैं दूसरा क्या है, वो आपको
आपको एंड तक वीडियो देखनी पड़ेगी। ये जीन्स जो मैंने ऑर्डर करी थी और इस कलर की जीन्स मेरे पास नहीं थी तो मैंने इसलिए ये वाली ऑर्डर करी। और मुझे हाई वेस्ट वाली जीन्स ज्यादा पसंद है तो मैंने वही ऑर्डर किया है। मुझे लो वेस्ट वाली उतनी अच्छी नहीं लगती है, बहुत सारे लोग पसंद होती बट मुझे अच्छी लग रही है, मतलब कपड़ा सही लग रहा है, मेरे कुछ भी गड़बड़ नहीं है। तो चलिए इसको मैं ट्राई करके बताऊंगी आपको। और बचा है क्या? अभी भी बचा है, मुझे लगा खत्म हो गया, सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। चमचमाते हुए कपड़े मैंने ऑर्डर किए हैं क्योंकि पार्टी के लिए, पार्टी यू नो पार्टी हो रही है वैसे। तो ये है मेरा वन पीस और चलिए इसको ट्राई करके बताऊंगी। स्ट्रेचेबल कपड़ा है, इसमें मेरे अलावा मेरे और दोस्त भी फिट हो सकते हैं मुझे लगता है क्योंकि स्ट्रेचेबल है। पहन के बताऊंगी कैसा है बाद में। इसका ये लुक है और अभी एक चीज और बची हुई है, वो है छोटू सा टॉप है। मैंने ज्यादातर वैसे टॉप ज्यादा मंगाए हैं कि जो कि मैं किसी शॉर्ट्स के साथ कैरी कर सकूं, स्कर्ट के साथ या फिर मैं जीन्स के साथ भी कैरी कर सकती हूँ। ये देखिए बहुत क्यूट सा है, मैं भी बताऊंगी बात, कपड़ा अच्छा है। तो ये वाले प्रोडक्ट में थोड़ा इशू आया है, ये यहाँ पे स्पॉट्स हैं तो मैं इसको रिटर्न कर रही हूँ। तो दोस्तों ये मंगाया गया है वेगा से 3-in-1 हेयर स्टाइलर। मैं चेक करना चाहती हूँ कि ये अच्छा है कि नहीं। इसमें बता रहा है कि 3 तरीके का स्टाइल हो सकता है। पहला तो स्ट्रेट कर सकते हो अपने बालों को, फिर क्रिम्प्ट कर सकते हो, जैसा कि आपने देखा होगा छोटे छोटे से कर्ली बाल होते हैं ये देखिए इसको क्रिम्प्ट बोलते हैं, और फिर है कर्ली हेयर जो नॉर्मली लोग कर्ल करते हैं। और तो ये है 3 स्टाइल 1 सॉल्यूशन और ये मैंने मंगाया है मिंत्रा से। चलिए चेक करते हैं ये कैसा है। अभी तो मैंने अपने बाल वॉश नहीं कर रखे लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा ट्राई करना चाहती हूँ चेक करने के लिए कि ये जो मैंने मंगाया है वो सही है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलिए देखते हैं। तो चलिए अब इसको ओपन कर लेते हैं और मैं अभी ऐसे भगी हुई हूँ। लिपस्टिक लगी है मेरी, ये दिखाओ, ये मैं ओपन कर रही हूँ, हटा देते हैं ना। तो ये आया है देखिए, इसको ऐसे पैक कर रखा है। चलिए मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। ओपन क्या है, ये ओपन हो गया। मुझे लग रहा है ये स्ट्रेटनर है, यहाँ से स्ट्रेट होगा। और कर्लर कहाँ होगा, मुझे लगता है आगे है। ये है क्या बोलते हैं इसको, क्रिम्पर, क्रिम्पर पैलेट ये होगा मुझे लगता है। बात कर्लर कहाँ होगा, मुझे लग रहा है यहाँ से फोल्ड कर जाएगा, एक मिनट चेक कर लेते फिर मैं बताती हूँ। वारंटी कार्ड के साथ मिला है, 3-in-1 हेयर स्टाइलर है। चलिए चेक करते हैं कि कैसे कैसे है। वैसे तो मुझे मालूम है कर्लिंग कैसे किया जाता है बट इसमें लिखा हुआ है इसके बारे में। चलिए ओपन करके देखते हैं। एलईडी इंडिकेटर है, ऑन ऑफ स्विच है, साइड में ऑन ऑफ स्विच होगा। ओके,
इसके बारे में लिखा है, मैं पढ़ लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ।